Hey guys, welcome back to my PhD clinic on YouTube. Guys, today I'm here with my YouTube brother because he's moving to Mexico from New Delhi. And abhi hum Lucknow station pe hain. Yahan se hamari train hai, jo ki hame Delhi utaregi. So wahan se hamari flight hai from Delhi to Amsterdam. And from Amsterdam to we will board the flight to Mexico and from Mexico to Monterrey. तो उनका पीएचडी में कैसे एडमिशन हुआ और हम यहाँ पे वहाँ पे हुआ कि स्कॉलरशिप से हो जा रहे हैं क्या उनकी फंडिंग है इन सभी बातों को आपसे जरूर शेयर करेंगे इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए रात के 2:30 बज चुके हैं और भाई को बोर्डिंग पास मिल चुका है सिक्योरिटी चेक इज ऑल ओवर लेकिन अब इन सब चीज़ों के बाद जब हम फ्री हुए हैं तो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ कैफे टू हैव अ कॉफ़ी लेट्स सी व्हाट वी गेट ओवर हियर बट वी आर सीइंग अभी तो मुझे यहाँ सामने से नज़र आ रहा है KFC नज़र आ रहा है एटोरेट कैफे नज़र आ रहा है तो देखते हैं कि क्या चीज़ हमें वहाँ पे अवेलेबल होती है और क्या हमें यहाँ पे कॉफ़ी मिल पाती है अप टू द मार्क बिकॉज वी आर द कॉफ़ी लवर एंड चाय लवर Guys, the main difficulty here at the IGI International Airport is that you will not get the toilet anywhere. Because you know, we have spent on. At least, I think you have to walk 4 kilometers to get. बहुत सी मशक्क़त के बाद अब हमें KFC मिला है और क्या नाम है मोती महल डिलक्स और कोविड रेस्ट्रिक्शन की वजह से हमें अंदर बैठना अलाउड नहीं है तो अब हम जाते हैं एटोरेट कैफे वहाँ से कॉफ़ी लेते हैं और फिर कहीं बैठने का इंतज़ाम देखते हैं कहीं पे ज़मीन में कहीं भी इंडिया है कहीं बैठा जा सकता है देखिए ये मियाँ मिले हैं बस ही बैठे हुए तो अभी हम भी बैठ सकते हैं यहाँ पे चीज़ सैंडविच अवेलेबल है और वॉलनट ब्राउनी है और बेवरेजेस में यू कैन सी वर देयर मसाला टी कार्मेल टी कैपेचिनो लाते एंड एस्प्रेसो नेक्स्ट कैफे लाते बट यू कैन सी हाउ इट इज इट लुक लाइक ऐसा लग रहा है कि ये अभी कनाडा से इंपोर्ट हुई है और हम लोग इसको टेस्ट कर रहे हैं लोकेशन अगर आप देखना चाहते हैं कि हम कहाँ बैठे हुए हैं तो हम आपको लोकेशन दिखाते हैं ये देखिए गाइस अभी एक और समय पे ये कि KLM 871 जो वो यहाँ पर लैंड कर चुकी है वही फ्लाइट यहाँ से KLM 872 बन के यहाँ से जाएगी एम्स्टरडम के लिए और वहाँ से मैक्सिको चलिए मैं आपको एक लुक दिखा देते हैं जो KLM लैंड हुई है और उसका स्टाफ और
क्योंकि A72 जो इंडिया से नीचे जाएगी उसका स्टाफ भी आ चुका है, उनकी भी एक क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा। तो This is Amsterdam Schiphol Airport. I'm traveling with this. Now I'm going to take another boarding pass because I have to change flight from here to Mexico. They will give me a new boarding pass so that
that particular wooden bus, I level 2 and go to Mexico. So I'm going there. It's 6:01 a.m. as per Mexico time, and I'm going to fly from Mexico to Monterrey, Monterrey City, via Air Mexico. That's one. So, here's the flights. I'm going to sit in that particular flight. So, let's wait. Let's move. You can take a glance or just a glance of Monterrey Airport. ये रूम है मेरा 1871 ये आसपास का एरिया है। इस वीडियो में हम लोगों ने मस्ती की ट्रैवल इंफॉर्मेशन आपको शेयर की कि भाई हमारे यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट से मैक्सिमम क्यों जा रहे हैं और कैसे कैसे जर्नी हम लोग कहाँ कहाँ से मिले जाते हैं, कब ट्रेन बोर्ड थी, कब फ्लाइट बोर्ड थी, आई जी एयरपोर्ट में हमने क्या खाया, थोड़ी मस्ती भी की, वो सब आपसे हमें शेयर किया। लेकिन अब आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन सी स्कॉलरशिप मिली है, मैक्सिको क्यों गए हैं और वो वहाँ पर कितने दिन रहेंगे और जो इस स्कॉलरशिप के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी वो आप सबसे शेयर किया जाएगा। जो चैनल का मोटिव है पीएचडी क्लिनिक से रिलेटेड ये वीडियो है कि वो पीएचडी के लिए ही गए हैं, इसलिए मैं आगे आपको सब भी बातों की इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।